हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज फिर से कुछ रिसेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन फिर से गायनेकोलॉजी से लिए हैं मैंने। DHA, MOH, हाथ, OMSV, MOPH, NIH, प्रोमेट्रिक एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाते हैं और रिसेंटली ही पूछे गए हैं क्वेश्चन से सारे। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। हर एक वीडियो का, हर एक क्वेश्चन का आपने कमेंट करना था कि आपके साथ साथ में प्रैक्टिस होती रहे। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलते हैं हम क्लास के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन छोड़ा था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाई अल्फा फिटोप्रोटीन एनालिसिस स्क्रीन टेस्ट। इसका लगभग बच्चों ने अच्छा आंसर दिया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था लगभग ने। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर था अपना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। चलो चलते हैं आज की क्लास के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम कुड बी प्रिवेंटेड वेन द प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन विद मिट्रल वॉल प्रोलैप्स। ऑप्शन देखें, ए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऑप्शन बी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऑप्शन सी बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, ऑप्शन डी गैस्ट्रो एंट्राइटिस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, कौन सी इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है जिसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दी जाती है या प्रिस्क्राइब की गई है एक प्रेग्नेंट वुमेन को विद मिट्रल वॉल प्रोलैप्स। तो एंटीबायोटिक क्यों दी जाती है? आई थिंक ये सबको पता है एंटीबायोटिक क्यों दी जाती है। तो बताइए क्या आंसर सही होगा इसमें से। सऊदी एमएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, DHA में आ चुका है, OMSV में आया है इसी अगस्त मंथ में। तो एंटीबायोटिक क्यों दी जाती है? एंटीबायोटिक दी जाती है जब कोई इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पे एक तो चीज़ है, एंटीबायोटिक कब दी जाती है? इन्फेक्शन के लिए। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे क्या दिया है, कंडीशन देखें, मिट्रल वॉल प्रोलैप्स हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ऐसी वाली कंडीशन में बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, ए प्राइमरी पेरेंट्स मदर इज वरीड अबाउट हर बेबी एज ही ड्रंक ऑन्स इन हर फर्स्ट बॉटल फीडिंग, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग रेस्पॉन्स। ऑप्शन देखिए, ए दिस इज नॉर्मल अमाउंट इन द फर्स्ट फीडिंग, ऑप्शन बी हिज स्टमक कैपेसिटी इज ऑन्स, ऑप्शन सी ही मे नॉट बी हंग्री, ऑप्शन डी ट्राई टू फीड हिम मोर। एक प्राइमरी पेरेंट्स मदर है, प्राइमरी पेरेंट्स की पहला बच्चा है मदर को, और वो घबरा रही है अपने बेबी के लिए क्योंकि उसने ऑन्स यानी कि एक ही बार शक किया है। ठीक है ना, मिल्क है, एक ही बार शक किया जब उसने फर्स्ट टाइम बोतल से फीडिंग करवाया। बोतल से जब भी फीडिंग करवाया, फर्स्ट टाइम फीडिंग करवाया, उसने उसने एक ही बार ड्रिंक किया, एक बार शक किया। तो ऐसे वाले कंडीशन में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग रेस्पॉन्स, नर्स का अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स क्या होगा ऐसे वाले कंडीशन में? सऊदी एमओएच में आया है, DHA में आया है, हार्ट के एग्जाम में आया है, MOPH में आया है इसी अगस्त में, और DHA की मिडवाइफ के एग्जाम में आया था ये पिछले महीने जुलाई में। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, एक जब बच्चा है उसने एक ही बार शक किया है। तो देखिए, न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका जो स्टमक कैपेसिटी है होता है वो होता है मात्र 6 ml। तो एक बार शक करने पे 6 ml आ गया, तो उस वाली कंडीशन में स्टमक फिल हो गया उसका। ठीक है, तो ऐसे वाली कंडीशन में यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिज स्टमक कैपेसिटी इज ऑन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट हु हैज सुपरफिशियल वेनस थ्रोम्बोसिस इन हर लेग आफ्टर डिलीवरी। ऑप्शन देखें, ए एडमिनिस्टर द प्रेस्क्राइब्ड एंटीकोगुलेंट्स, ऑप्शन बी अप्लाई आइस पैक टू द
अफेक्टेड लेग, ऑप्शन सी इलेवेट द अफेक्टेड लेग, ऑप्शन डी एंकरेज एम्बुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है अप्रोप्रिएट है फॉर पेशेंट हु हैड सुपरफिशियल वेनस थ्रोम्बोसिस इन हर लेग आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद में उसके लेग्स के अंदर सुपरफिशियली वेनस थ्रोम्बोसिस हो गया है, तो ऐसे वाले कंडीशन में अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, ये पूछा है। कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएस भी में आया है और हाल के एग्जाम में आया है अगस्त मंथ में, और सऊदी एमओएच, ओएमएस भी एंड इसमें सऊदी की मिडवाइफरी के एग्जाम में इनमें आया था जुलाई में, ओएमएस में पिछले महीने में आया, इस महीने में आ चुका है। तो देख बताइए यहाँ पे अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, तो ऐसे वाले कंडीशन में अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन होगा कि उसके पैरों को इलेवेट करके रखेंगे हमें, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इलेवेट द अफेक्टेड लेग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रिवेंटेड इफ द नर्स कीप्स द न्यू बॉर्न वॉर्म व्हाइल प्रोवाइडिंग नियोनेटल केयर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ऑप्शन देखिए, ए इंक्रीज बिलरुबिन ब्रेकडाउन, ऑप्शन बी इंक्रीज प्लेटलेट प्रोडक्शन, ऑप्शन सी इंक्रीज ग्लूकोल डिमांड्स, ऑप्शन डी डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंटेड इफ द नर्स कीप्स न्यू बॉर्न वॉर्म वाइल प्रोवाइडिंग न्यू न्यूनेटल केयर इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी, इनके जब बच्चे की डिलीवरी होते ही उस बच्चे को इनके हीट लॉस से बचाने के लिए उसको वॉर्म क्यों रखा था, किस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए उसको वॉर्म रखा जाता है, ये पूछा है इसमें। सऊदी एमओएच में आया है, हाथ के एग्जाम में आया है, एमओपीएच के एग्जाम में और एनएचआरए के एग्जाम में आया है इसी अगस्त मंथ में, और एनएचआरए में पिछली बार पिछले महीने भी आया है ये, एंड डीएचए मिडवाइफरी के एग्जाम में आया है और सऊदी मिडवाइफरी के एग्जाम में आया है जुलाई मंथ में। तो किस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए बच्चे को एज सुन एज पॉसिबल उसको वॉर्म रखा जाता है आफ्टर डिलीवरी, तो वो उसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी इंक्रीज ग्लूकोज डिमांड्स। ठीक है, इसके लिए प्रिवेंट करने के लिए वो रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब ऑक्सीटोसिन मोर एक्यूरेटली। ऑप्शन देखिए, ए इट इंक्रीज द इंटेंसिटी एंड डिक्रीज द इंटरवल ऑफ यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस, ऑप्शन बी द रेट शुड बी इंक्रीज एवरी 10 मिनट इन द लो डोज प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इट इज कंट्रा इंडिकेटेड व्हेन द मेम्ब्रेन आर रप्चर्ड, ऑप्शन डी इट हैज नो रिस्क फॉर द फिटस और द मदर। इसे पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करता है ऑक्सीटोसिन मोस्ट एक्यूरेटली, यानी कि ऑक्सीटोसिन को मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब करने वाला सेंटेंस या स्टेटमेंट कौन सा है, ये पूछा है इसमें। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, हाद के एग्जाम में आया, एनएचआरए के एग्जाम में आया अगस्त मंथ में, एंड डीएचए और इसमें ओएमएस भी में जुलाई मंथ में आए। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है, एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है ऑक्सीटोसिन के बारे में, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इट इंक्रीज द इंटेंसिटी एंड डिक्रीज द इंटरवल ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली नियोनेटल प्रॉब्लम दैट कुड बी डिस्क्राइब्ड बाय अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर बर्थ। ऑप्शन देखें, ए हाइपर बिलरुबिमिया, ऑप्शन बी हाइपोकैलेमिया,
कैल्शियमिया, ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन डी हाइपोथर्मिया। मोस्ट लाइकली, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली नियोनेटल प्रॉब्लम दैट कुड बी डिक्रीज्ड बाय द अर्लीस्ट ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर बर्थ। बर्थ के यानी कि एज सून एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से नियोनेटल कौन सी मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम है नियोनेट की जो डिक्रीज हो जाती है, ये पूछा है। ये कुवैत एमएच में आया है, हाथ के एग्जाम में आया है, ओ एम एस बी में आया है, एम ओ पी एच में आया है, इसी मंथ। तो कौन से प्रॉब्लम है, नियोनेटल प्रॉब्लम है जो डिक्रीज हो जाती है यदि हम अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं बच्चे को, डिलीवरी के बाद अर्ली फीडिंग करवाते हैं, तो कौन सी प्रॉब्लम है जो डिक्रीज हो जाती है, उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो बिलरुबिन, ठीक है, हाइपर बिलरुबिन की कंडीशन है, यानी कि बिलरुबिन बढ़ जाता है बच्चे के अंदर, जॉइंटिस का रिस्क है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइपर बिलरुबिनेमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सब इन्वोल्यूशन आफ्टर डिलीवरी। ऑप्शन देखिए, ए ऑक्सीटोसिन आईवी इन्फ्यूजन, ऑप्शन बी ओरल मेथार्जिन, ऑप्शन सी ओरल माइलिसिन माइलिकोन, ऑप्शन डी टोराडोल आईवी। इनमें से कौन सी मेडिकेशन है, चार मेडिकेशन दिए, इनमें से कौन सी मेडिकेशन है जो यूज की जाती है ट्रीटमेंट ऑफ सब इन्वोल्यूशन आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद सब इन्वोल्यूशन के लिए कौन सी मेडिकेशन है जो यूज में ली जाती है, ये पूछा है। ये भी अपना सऊदी एमओएच के अंदर आया है, हाथ के एग्जाम में आया है, ओ एम एस बी में आया है, और डीएचए की मिडवाइफरी के एग्जाम में आया है। अगस्त मंथ, इसी मंथ में। तो कौन सी मेडिसिन है जो सब इन्वॉल्ट्री ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो वो है अपना ओरल मिथार्जिन, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ओरल मिथार्जिन को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, वेन द नर्स असेसेस द वेट ऑफ ए न्यू बॉर्न इमिडिएटली आफ्टर बर्थ सी शुड वार्म द स्कैल्प। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ हीट लॉस वुड बी प्रिवेंटेड बाई दिस एक्शन। ऑप्शन देखें, ए इवापोरेशन, ऑप्शन बी कंडक्शन, ऑप्शन सी कन्वेक्शन, ऑप्शन डी रेडिएशन। विच ऑफ द नर्स द वेट न्यू बोर्न, इनकी नर्स है वेट असेस करना चाहते हैं न्यू बोर्न का इमिडिएटली आफ्टर बर्थ, शुड बी वार्म द स्कैल्प। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कौन सा मेथड है जो हीट लॉस कर सकता है, हीट लॉस से प्रिवेंट करेगा इन दिस सेक्शन, ऐसे वाली कंडीशन में कौन सा हीट लॉस होने के मेन चीज है। इसमें पूछा कि ऑप्शन आप देख रहे हो, तो इसमें कौन सा हीट लॉस होगा, कौन सा मेथड है हीट लॉस का होगा, ये पूछा है इसमें। ये कुवैत एमओएच में आया है, सऊदी की मिडवाइफरी के एग्जाम में आया है, ये हाथ के एग्जाम में आया है, NHRA के एग्जाम में आया है। तो यहाँ पे देखिए, वेट चेक करने के लिए, वेट चेक करते टाइम कौन सा हीट लॉस होने के चांसेस होते हैं, कौन से मेथड से हीट लॉस होने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी कंडक्शन, ठीक है ना, क्योंकि जो वेइंग मशीन है उसके डायरेक्ट टच में यदि बेबी आएगा, बच्चा आता है, तो ऐसे वाले कंडीशन में हीट लॉस होने के चांसेस होते हैं, उसका ये मेथड होगा कंडक्शन, ठीक है ना, हीट लॉस का मेथड होगा कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सीक्रेशन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड आफ्टर बर्थ। ऑप्शन देखें, ए प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। क्या पूछा है, विच ऑफ द हॉर्मोन, कौन सा हॉर्मोन है रेस्पॉन्सिबल है मिल्क सीक्रेशन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ। ओके, मेन चीज है ये ध्यान देने लायक, जन्म लेते ही यानी कि जस्ट आफ्टर बर्थ कौन सा हार्मोन है जो रेस्पॉन्सिबल होता है, प्लस
हॉर्मोन सीक्रेशन है, यहाँ पे ध्यान देना, हॉर्मोन सीक्रेशन है। इसमें काफी बच्चे हैं जो गलत आंसर करके आते हैं। सऊदी एमएच में है, ओएमएसबी में है, एमओपीएच में है और एनएचआरएम में आया है अगस्त मंथ में। तो यहाँ पे देखिए, मिल्क सीक्रेशन पूछा है, मिल्क प्रोडक्शन नहीं पूछा है, ठीक है ना। मिल्क सीक्रेशन पूछा है। दूसरी बात, आफ्टर बर्थ, जस्ट आफ्टर बर्थ पूछा है। तो ऐसे वाले कंडीशन में अपना करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। अब वो बोल रहे हो प्रोलैक्टिन होता है वो तो, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, तो सीक्रेशन पूछा प्लस जस्ट आफ्टर बर्थ, तो यहाँ पे इस कंडीशन में होगा ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन होता है जो जो ब्रेस्ट मसल्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है, तो टू सीक्रेट द मिल्क, ठीक है ना। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, व्हाइल ए नर्स इज असेसिंग एन इन्फेंट बोर्न 11 आवर्स एगो बाय सिजेरियन सेक्शन, सी ऑस्कल्टेड मोस्ट लंग साउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन देखें, ए सर्फेक्टेंट एस्पिरेशन, ऑप्शन बी अब नॉर्मल फाइंडिंग, ऑप्शन सी नॉर्मल फाइंडिंग, ऑप्शन डी न्यूमोथोरेक्स। नर्स जब एक बच्चे को असेस कर रही है, एक न्यू बोर्न को असेस कर रही है, इन्फेंट को असेस कर रही है, जो 11 आवर्स एगो जिसकी डिलीवरी हुई है, ठीक है, जिसकी डिलीवरी कब हुई है, 11 आवर्स एगो बाई सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। सी अस्कल्टेट मोस्ट लंग साउंड, जब उसने अस्कल्टेट किया लंग्स को, इनके चेस्ट को अस्कल्टेट किया, तो वहाँ पे मोइस्ट लंग साउंड आ रही है, ठीक है ना। अस्कल्टेट मोइस्ट, जिनकी मोइस्ट लंग साउंड वहाँ पे सुनाई दे रही है। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट लाइकली इंटरप्रिटेशन, ऐसे वाली कंडीशन में मोस्ट लाइकली इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ये पूछा है। ये डीएचए में आया है, ओएमएसबी में आया है, एमओपीएच में आया है, डीएचए की मिडवाइफरी के एग्जाम में आया है, एनएचआरए में आया है। इन एग्जाम पूछा गया है अगस्त मंथ में। तो देखिए, ऐसी वाली कंडीशन है जहाँ पे ओनली मोइस्ट लंग साउंड सुनाई दे रही है, तो यह है एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह है नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। 11 घंटे हुए हैं बच्चे को, सिजेरियन सेक्शन से हुआ है, ठीक है ना। ऐसे वाले कंडीशन में मोइस्ट लंग साउंड एज ए नॉर्मल कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए प्राइमरी गरुड़ा हु हैज प्री एक्लेम्पसिया एंड स्टार्टेड मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 इन्फ्यूजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्शन ऑफ दिस मेडिकेशन। ऑप्शन देखें, ए डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ऑप्शन सी डिक्रीज एडिमा, ऑप्शन डी प्रिवेंट सीजर्स। एक नर्स है, केयर कर रही है, एक नर्स है वो केयर कर रही है एक प्राइमरी ग्रेविडा पेशेंट की, प्राइमरी ग्रेविडा यानी फर्स्ट ग्रेविडा है, एंड ही हु हैज प्री एक्लेम्सिया, जिसको प्री एक्लेम्सिया है, उसको स्टार्टेड मैग्नीशियम सल्फेट, उसको मैग्नीशियम सल्फेट स्टार्ट किया। तो इसमें मेन चीज़ क्या पूछा है, एक्शन ऑफ द मेडिकेशन, यानी कि MgSO4 है, MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट है, इसका काम क्या है, व्हाट द फंक्शन ऑफ MgSO4। सऊदी एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, एमओपीएच में आया है, डीएचए मिडवाइफरी के एग्जाम में आया है, अगस्त मंथ में। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट क्यों देते हैं, सीजर से प्रिवेंट करने के लिए, ओके। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रिवेंट सीजर्स, ठीक है ना। MgSO4 आता है वो सीजर से के लिए ही देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे MgSO4 का ही फंक्शन पूछा है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, प्रिवेंट सीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, व्हाइल द नर्स इज परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर ए न्यू बॉर्न सेफेलोहेमेटोमा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली नियोनेटल कॉम्प्लिकेशन। ऑप्शन देखें, ए कैपुट सक्सिडेनम,
ऑप्शन बी इन्फेक्शन, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी जॉइंटिस। एक नर्स है परफॉर्म कर रही है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए न्यू बॉर्न विद सिफेलो हेमेटोमा, जिसको जिसको क्या है सिफेलो हेमेटोमा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली न्योनेटल कॉम्प्लिकेशन को, तो मोस्ट लाइकली न्योनेट में कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। सिफेलो हेमेटोमा का पेशेंट है, न्यू बॉर्न विद सिफेलो हेमेटोमा है, तो उसमें कौन सा न्योनेटल कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलेगा, ये पूछा इसमें। ये कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, एमओपीएच में आया है, अगस्त मंथ में। तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो है जॉइंडिस। अब कुछ बच्चे हैं, एक स्टूडेंट ने पूछा भी था मेरे को कि कैपुट सक्सीडेनम क्यों नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूछा मोस्ट लाइकली नियोनेटल कॉम्प्लिकेशन, तो यहाँ पे जॉइंडिस ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स इंक्लूड इन हर टीचिंग फॉर ए ग्रुप ऑफ मदर्स अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। ऑप्शन देखिए, ए इट अलाउ मदर टू टेक हर मेडिकेशन विदाउट हार्मिंग द न्यू बॉर्न। ऑप्शन बी इट अलाउ मदर टू डिटरमाइन अबाउट ऑफ मिल्क इंजेस्टेड इन ईच फीडिंग। ऑप्शन सी इट प्रिवेंट गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ऑप्शन डी इट फोस्टर रिजम्पशन ऑफ ओवुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से वुड द नर्स इंडिकेट हर टीचिंग, इनके इनमें से क्या नर्स है इंक्लूड करेगी अपनी टीचिंग में, जो कि एक ग्रुप ऑफ मदर्स को दे रही है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। अब मदर्स है जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक सेशन चल रहा है, नर्स है, तो अपनी टीचिंग में वो क्या नर्स क्या इंक्लूड करेगी, ये पूछा है इसके अंदर। सऊदी एमओएच के एग्जाम में आया है, एमओपीएच में आया है, डीएचए के एग्जाम में आया है, और डीएचए मिडवाइफरी के एग्जाम में आया है। अगस्त मंथ में, तो बताइए अपनी टीचिंग में क्या इंक्लूड करेगी नर्स ब्रेस्ट फीडिंग के रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है वो होता है ऑप्शन सी इट प्रिवेंट गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इनके गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, उनसे प्रिवेंट करता है ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स इंक्लूड इन हर टीचिंग फॉर ए वूमन डायग्नोस्ड विद सिस्टोसील अबाउट सिम्टम्स दैट शुड बी रिपोर्टेड टू द फिजिशियन। ऑप्शन देखिए, ए लॉस ऑफ यूरिन एंड कफ, लॉस ऑफ यूरिन विद कफ। ऑप्शन बी बर्निंग विद यूरिनेशन। ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन। ऑप्शन डी बैक एक। इनमें से इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स इंक्लूड इन हर टीचिंग वुमन विद डायग्नोस विद सिस्टोसील अबाउट सिम्टम्स शुड बी रिपोर्टेड टू द फिजिशियन। एक नर्स है, वो टीचिंग करवा रही है, एक डायग्नोस्ड विद एक वुमेन को टीचिंग करवा रही है जिसको डायग्नोसिस हुआ है सिस्टोसील। अब बोलो सिस्टोसील क्या होता है। सिस्टोसील वो कंडीशन होती है जिसके अंदर ब्लैडर या तो रप्चर हो जाता है, या जिसको ड्रॉप्ड ब्लैडर भी कहते हैं, यानी कि ब्लैडर है वो मसल्स से जहाँ पे अटैच होता है वहाँ से ड्रॉप डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से कि जो वेजाइना होती है उसके ऊपर प्रेशर पड़ के वहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है। ठीक है, वो कंडीशन होती है सिस्टोसील। ठीक है ना, तो इसमें पूछा है कि कौन से सिम्टम्स है सिस्टोसील के अंदर, सिस्टोसील का कौन सा सिम्टम है, कौन सा साइन सिम्टम है जो रिपोर्ट करना है फिजिशियन को, ये पूछा है इसके अंदर। सऊदी मिडवाइफरी के एग्जाम में आया है, डीएचए मिडवाइफरी के एग्जाम में आया है, सऊदी एमओएच में भी आया है, यहाँ ओ एम एस बी में आया है, एंड एन एच आर ए, सॉरी ये छूट गया, इनमें इन सब में पूछा गया अगस्त मंथ में। तो कौन सा सिम्टम्स है जो फिजिशियन को रिपोर्ट करना चाहिए। सिस्टोसिल का मैंने बताया आपको, सिस्टोसिल का बोलते हैं प्रो
क्या बोलते हैं, प्रोलेप्स्ड ब्लैडर, या फिर इसका दूसरा नाम, दूसरा बोलते हैं ड्रॉप्ड ब्लैडर, इसको इन दोनों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सिस्टोसील को, प्रोलेप्स ब्लड ब्लेडर और ड्रॉप्ड ब्लेडर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऐसे कौन सा सिम्टम्स है जो फिजिशियन को इन्फॉर्म करना चाहिए, वो है बर्निंग विद यूरिनेशन। यूरिनेशन के टाइम पे बर्निंग सेंसेशन है, इसका मतलब कि ये उस डॉक्टर को इन्फॉर्म करना जरूरी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रिवेंटेड इफ एरिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट इज गिवन टू ए न्यू बोर्न हुज मदर हैज क्लेमाइडिया इन्फेक्शन। ऑप्शन देखिए, ए ऑफ्थेल्मिया नियोनेटम, ऑप्शन बी इन्फेक्शन इन द नर्सरी, ऑप्शन सी इन्फेक्शन इन लेबर, ऑप्शन डी बाइलेटरल कैटरेक्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंशन इफ एरिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट फॉर न्यू बोर्न मदर हैज क्लेमाइडिया इन्फेक्शन। मदर है जिसको क्लेमाइडिया इन्फेक्शन है, तो बच्चे के लिए यानी कि न्यू बॉर्न के लिए एरिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट कौन लिख सकता है, कौन प्रोवाइड कर सकता है, या किसके लिए हम वो सॉरी किसके लिए हम एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट आई ऑइंटमेंट हम किसके लिए देंगे, ये प्रिवेंटेड किस चीज़ को प्रिवेंट करेगा एरिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट न्यू बॉर्न के अंदर, ये पूछा है। OMSB, MOPH, NHRA और DHA मिडवाइफरी। इनमें पूछा गया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए ऑफ्थेल्मिया नियोनेटोरम, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, ए नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग ए 20-year-old नली ग्रेविड वुमेन अबाउट साइड इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ स्टेटेड बाई द वुमेन इंडिकेट्स द नीड फॉर फर्दर एजुकेशन। ऑप्शन देखें, ए ओवेरियन कैंसर, ऑप्शन बी वेट गेन, ऑप्शन सी हेडेक, ऑप्शन डी नोजिया। ए नर्स है इंस्ट्रक्ट कर रही है एक 20-year-old नली ग्रेविड, इनके अभी तक कोई ग्रेविड नहीं है उसको, नली ग्रेविड और 20-year-old है, अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साइड इफेक्ट के बारे में उसको बता रही है, इंस्ट्रक्ट कर रही है। तो इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा, यदि स्टेटेड वुमन इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि वुमन को फर्दर एजुकेशन की नीड है, ये पूछा है इसमें। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, एमओपीएच में आया है, OMSB में आया है, बताइए। देख कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि उसको फर्दर इंडिकेशन की जरूरत है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स हैं ऑलरेडी, इसमें साइड इफेक्ट के बारे में बता कर रहे हैं, तो साइड इफेक्ट में वेट गेन भी, हेडेक है, नोजिया है, लेकिन ओवेरियन कैंसर इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ओवेरियन कैंसर, ठीक है, बाकी के सारे इसके साइड इफेक्ट हैं। तो यदि जो जो नली ग्रेविड जो वुमेन है जिसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यदि वो ओवेरियन कैंसर के बारे में पूछेगी तो उस वो इंडिकेट करता है कि उसको फर्दर एजुकेशन की नीड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, ए नर्स इज एजुकेटिंग ए न्यू मदर अबाउट कोड केयर ऑफ द न्यू बॉर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द मदर इंडिकेट दैट एजुकेशन वॉज इफेक्टिव। ऑप्शन देखें, ए कोड शुड बी इमीडिएट इमर्स्ड इन वाटर 3 times a day, ऑप्शन बी कोड क्लैम्प विल बी रिमूव्ड वेन द कोड स्लो, ऑप्शन सी रेडनेस एट द कोड बेस शुड बी रिपोर्टेड, ऑप्शन डी डाइपर शुड कवर द इंटायर कोड। एक नर्स है एजुकेट कर रही है एक न्यू मदर को कोड केयर के बारे में,
एक न्यू बॉर्न के कोल्ड केयर के बारे में मदर को एजुकेट कर रही है एक नर्स। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि मदर है को जो एजुकेशन दी गई है वो इफेक्टिव है, एजुकेशन जो दी गई है वो इफेक्टिव है, कौन सा स्टेटमेंट है इंडिकेट करता है इस चीज़ को। सऊदी MOH में आया है, सऊदी की मिडवाइफरी के एग्जाम में आया है, DHA में आया है, OMSB में आया है, कुवैत MOH में भी आया है। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि जो एजुकेशन दी गई है वो इफेक्टिव है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेडनेस एट द कोड बेस शुड बी रिपोर्टेड। ये इंडिकेट करता है कि जो एजुकेशन दी गई है वो इफेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। ए 30-year-old वूमेन अटेंड्स एट द आउट पेशेंट क्लिनिक कंप्लेनिंग ऑफ स्टॉप मेंस्ट्रुअल फॉर 5 मंथ्स। हिस्ट्री टेकिंग रिवील्ड दैट हर मेंसेस वाज रेगुलर अकरिंग एवरी 20 डेज। एडिशनली द मदर वाज ऑन डाइट फॉर 1 ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। ऑप्शन देखिए, ए प्राइमरी एमनोरिया, ऑप्शन बी सेकेंडरी एमनोरिया, ऑप्शन सी नॉर्मल एमनोरिया, ऑप्शन डी प्रेगनेंसी। 30-year-old वुमेन है जो अपने पास कहाँ पे वो आउट पेशेंट क्लिनिक के अंदर आई है और कंप्लेन कर रही है स्टॉप मेंस्ट्रुअल फ्रॉम फॉर 5 मंथ्स। इसका 5 मंथ से मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप हो गया है। हिस्ट्री लेने पे हमें पता चला है कि उसका मेंस्ट्रुएशन है वो रेगुलर आता था, इससे पहले रेगुलर आता था और रेगुलरली एवरी मंथ के 20 डेज के अंदर आ जाता था रेगुलरली। एडिशनली हिस्ट्री में हमें पता चला है, हिस्ट्री लेने पे हमें पता चला है कि वुमेन वाज ऑन डाइट फॉर 1 ईयर, इनके लास्ट 1 ईयर से वुमेन है वो डाइटिंग पे है। ठीक है, तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा ऐसी वाली कंडीशन के अंदर। सऊदी MOH में आया है, कुवैत MOH में आया है, DHA में आया है और हाथ के एग्जाम में आया है अगस्त मंथ में। तो ऐसे वाली कंडीशन में मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा, ऐसे वाली कंडीशन में मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस होगा वो होगा सेकेंडरी अमनोरिया। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सेकेंडरी अमनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। ए नर्स इज एजुकेटिंग ए प्राइमरी पेरेंट्स मदर हु डिलीवर्ड 18 आवर्स एगो एंड इज ब्रेस्ट फीडिंग हर बेबी अबाउट न्यू बॉर्न स्टूल पैटर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ करंट स्टूल शुड द नर्स इंक्लूड इन हर टीचिंग। ऑप्शन देखें, ए ग्रेनिश ब्लैक थिक स्टिकी एंड टार लाइक, ऑप्शन बी सीडी मस्टर्ड विद ए स्वीट सॉर स्मेल, ऑप्शन सी डिपेंड ऑन द लास्ट मदर्स मील, ऑप्शन डी ग्रेनिश ब्राउन एंड लूज। एक नर्स है एजुकेट कर रही है प्राइमरी मदर को जिसका जो डिलीवर हुई है, जिसको डिलीवरी हुई है 18 आवर्स एगो। ठीक है ना, और वो एंड ब्रेस्ट फीडिंग हर बेबी अबाउट न्यू बॉर्न स्टूल पैटर्न, ब्रेस्ट फीडिंग एंड उसके स्टूल पैटर्न के बारे में वो एजुकेट करवा रही है। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक है जो करंट स्टूल के बारे में नर्स इंक्लूड इन टीचिंग, यानी कि करंटली स्टूल कैसा होगा उसके बारे में इंक्लूड करेगी अपनी टीचिंग के अंदर में। यानी कि मेन चीज़ है कि न्यू बॉर्न है जो 18 आवर एगो डिलीवर हुआ है तो उसका स्टूल कैसा होगा ये पूछा है इसके अंदर। कुवैत MOH में आया है, DHA मिडवाइफरी में आया है, सऊदी मिडवाइफरी में भी आया है, OMSB में आया है और NHRM में आया है इसी मंथ। तो देखिए 18 आवर्स एगो बच्चे का जन्म हुआ है तो ऐसे वाले कंडीशन में उसका स्टूल है वो ग्रीनिश ब्लैक कलर मिलेगा, थिक मिलेगा, स्टिकी मिलेगा, टार लाइक मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रीनिश ब्लैक थिक स्टिकी एंड टार लाइक स्टूल उसका होगा। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। ए 50-year-old वुमेन इज अटेंडिंग एट द आउट पेशेंट क्लिनिक फॉर एनुअल चेकअप। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिपोर्टेड इफ इंस्पेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ऑप्शन देखिए, ए राइट ब्रेस्ट इज स्लाइटली लार्जर देन लेफ्ट ब्रेस्ट। ऑप्शन बी सिमेट्रिकल विजिबल वेंस। ऑप्शन सी डिम्पल इन द लेफ्ट ब्रेस्ट। ऑप्शन डी एवरेस्ट निप्पल। 50-year-old वुमेन है, ठीक है, वो अपने पास आई है आउट पेशेंट क्लिनिक के अंदर एनुअल चेकअप के लिए। तो इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टेड इफ द इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते टाइम ऐसी कौन सी चीज़ें जो इंस्पेक्ट करेंगे, जो हमें रिपोर्ट करनी चाहिए, ये पूछा है इसमें। ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के दौरान कौन सी इंस्पेक्ट की हुई चीज़ है जो रिपोर्ट करनी चाहिए, ये पूछा है इसमें। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, डीएचए मिडवाइफरी के एग्जाम में आया है, एनएचआरए के एग्जाम में आया है, इन एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि उनको रिपोर्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डिम्पल इन द लेफ्ट ब्रेस्ट। डिम्पल, यदि ब्रेस्ट लेफ्ट ब्रेस्ट में डिम्पल मिलता है तो वो रिपोर्ट करना इमीडिएट जरूरी है। क्यों? क्योंकि डिम्पल इन ब्रेस्ट है वो इंडिकेट करता है ब्रेस्ट कैंसर को। ओके, डिम्पलिंग इन द ब्रेस्ट आज इंडिकेट द ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, इसलिए उसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर भी होगा ऑप्शन सी डिम्पल इन द लेफ्ट ब्रेस्ट। ओके, ये लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, वो नहीं है, लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको इंडिकेट करता है, ठीक है, डिम्पल ब्रेस्ट के अंदर। ओके क्लियर। ओके तो ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन, इसका आंसर जैसे मैं स्टार्टिंग में देता हूँ, इसका आंसर मैं नेक्स्ट अपनी क्लास के अंदर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माई क्लास। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया। और किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए होती है, लाइक डाटा फ्लो कराना, एलिजिबिलिटी एग्जाम बुकिंग या स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिए, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपका रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूँगा। ओके, फिर से मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।